अरे यार अभी अभी एजेंसी से निकल गया है तो यहाँ पे लगा हुआ था, तो हम सोचे थोड़ा हम भी देख लेते हैं, छू लेते हैं थार को। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अरे सर ड्राइवर गाड़ी आओ चला गाड़ी रहा के है, बाहर एक और से ड्राइवर आ गया है। हैंडल संभाल रहे। अरे बाहर से हैंडल इसका संभाल रही है, कोई ये पहला बार देख ड्राइवर रहा है नहीं है इसीलिए सब इसका यूज कर रहा है कि कैसे कैसे चलना होता भाई। है। थार का कुछ पार्ट पुर्जा झड़ गया है तो इसके अंदर का रुईया निकाल के और तख्ता अंदर घुसाया हुआ है। इन लोग को आंसी लग रहा है, पता नहीं का है, पहला बार खा रहे तो हो सकता है इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा होगा। ये इतना छोटा है कि कुदुक कुदुक के तोड़ रही है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। छोटी बड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और रात में इतना बारिश हुआ और बहुत ज़्यादा आंधी चल रहा था, बारिश हो रहा था, कम बारिश हुआ है लेकिन आंधी बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसके कारण केला का पेड़ गिर गया, फूटल केला था और रातें भी गिर गया। हम अब भी देखे इधर साग बनने के लिए, साग टूट रहा है, ललका साग है और हरियर का साग है। इधर बड़ी खाना बना रही है, लड्डू उसके साथ खेल रहा है, गुदगुद्दी बना रहा है उसको, उसको लड्डू को बहुत मजा आ रहा है। हमारे यहाँ आम इतना बड़ा बड़ा हो गया है और हवा चला है तो गिर गया था हवा में, तो सब ला के दिए है। हम अभी आए हैं आम के सब्जी बनाने के लिए पुदीना तोड़ने, कहना कि हम किचन के बगले में है पुदीना का पेड़ लगा हुआ है तो उसी में। इधर है किचन और इधर है गार्डन, गार्डन नहीं मिनी गार्डन। पुदीना इतना जगह में छिटा से बहुत अच्छा लगता है, गोल गोल बेल है से। खाते नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, वाला छोड़ ले है। एकरा चटनी पीसने के लिए सब कुछ लिया ही है, मिर्ची अदरक आम और पुदीना के पत्ता, और इधर नमक है और सिलपट्टा पर पिसाएगा क्योंकि बारिश के कारण लाइन नहीं है। और अभी चटनी पिसा गया है, पूरा मेही करके पीस दी है चटनी, सिर्फ नमक नहीं डाले हैं और नमक डालेंगे पीसने के बाद, तब देखेंगे खा के कैसा लगता है खाने क्योंकि में। पहला बार बना है। नमक डाल के ही मिला रही है, उसके बाद देखेंगे खा के। और ये मिला ली है, एक कौर खाइए तो कहती है ना अच्छा लगता है, हम देख लेते खा के कैसा लगता है, कहते पुदीना के स्वाद आता है। झुट्ठा करने पर लग गल है एकरा। ये कथी बना दिली है खा कर, हमारे गिर हो गया कैसा। पुदीना के महक आ रहा हो, नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कर ऐसे ऐसे ठीक अच्छा लगे छो, बाद में अच्छा लगता है खाने में। इतना छोटा परोर के पेड़ में से हम इतना परोर तोड़ लिए हैं और चलनी में तोड़ लिया है क्योंकि चलनी में तोड़ने से बहुत ज़्यादा फटता है, लाइन है नहीं इसलिए बर्तन को कल पर ही धोना पड़ रहा है। इधर मम्मी बर्तन धो रही है, थोड़ा भी वर्षा होता है कि यहाँ के लाइन कट जाता है, और लाइन नहीं है तो नल जल में भी पानी नहीं है। और इधर ही अभी नीप रही है, एतवार शनिचर पवनी है इसीलिए, और इधर पूरा नीप आ गया है। तो हमारा निपा पोती हो गया है, अभी जा रहे हैं नहाने, उससे पहले पपीता तोड़ लेते हैं। पपीता बहुत पक गया है, बहुत नहीं पका है लेकिन बहुत, मतलब एक पपीता बहुत नहीं पका है, चार पांच गो पपीता पक गया है, तो भाई ये पेड़ में है तोड़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाने। ये इतना छोटा है कि कुदुक कुदुक के तोड़ रही है, हमरो से नहीं टूटता है, तन के बड़े इससे तैयो लंबाई में बड़ है। आई देख रही है खाली पपीता कैसे टूट ही नहीं रहा है, हम बन रही है पचहर के तोड़ेंगे। गर्मी होने के कारण अलबीरा बेचारा एकदम पियर हो गया, सूख रहा है और ये छड़प गई है ऊपर पपीता तोड़ने के लिए, झड़ के तोड़ रही है, खाली ऊपर से पियर पियर पपीता है, इधर कच्चा है इधर से पियर है देखने में, इधर से देखे तो पियर था तो तोड़ लिए, लेकिन मीठ अब बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए तोड़ तोड़ के खाते, पहले तोड़ तोड़ के खेलते थे अब तोड़ तोड़ के खाते। और एक ननकी पपीता पकल था तो ये अभी छील रही है, बड़ा हरामी पपीता, ऊपर से पियर है अंदर से पूरा उजर 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 है, तनको नहीं है पियर अंदर से, धोखेबाज है। इधर ही पपीता छील ली है, इसके बाल बुदरुक के अंदर से निकाल ली है बिया के और धो के खा रही है, इसका बच्चा छोट छोट बच्चा है, छोट छोट बच्चा है इसके खा रही है। सो के उठ गया है और इधर खेल रहा है अपना मौसिया के साथ, जिसको ये कहता है दीदी, दू गो चोटी बांध ले है लड्डू, आइयो पीछे बांधते हैं तो आगे वाला केस गिर जाता है, आगे बांधते हैं तो पीछे वाला, इसलिए दोनों बांध है, आगे गिरेगा ना पीछे के गिरेगा। लड्डू को फ्रूटी आ गया है तो लड्डू खुश हो गया फ्रूटी देख के, चलो फ्रूटी पी के बताएगा लड्डू की फ्रूटी कैसा लगा, ये मुंह में तो डाल, चलो खींचो, हां खींचो खींच, पाए पे निकाल, अरे तो खा चिबा रहा है, रुको रुको डाल देते हैं मुंह में ला सर, अरे ढार के इसको पिला रही है, अच्छा हो गया है, कैसा लगा, जा जा लड्डू
लड्डू पहला बार देखा है इसलिए बेचारा सोच रहा है क्या है। फिर से पूरा अंधेरा हो चुका है, तो कृपया ध्यान दे अपने अपने घरों में घुस जाए, अपना अपना सीट बेल्ट बांध दे क्योंकि फिर से बारिश होने का संभावना आ रहा है, प्लान किराया सोने वाला है, ठंडा हो रहा है। और हम अभी आए अपने घर के बाहर, इधर घर है, हम इधर सामने सामने ये थाल लगा हुआ था उसमें हम कर रहे थे, और छोटा ड्राइवर इधर बैठा हुआ है और इधर ही चला रहा है, इसको डर लग रहा था इसीलिए इसको बैठा लिया है। इसको बहुत अच्छा से आता है थार चलाने, आता है ना लड्डू? थार कुछ ऐसा लगता है, थार कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, नया मॉडल में अभी निकला है। और ये थार अभी अभी एजेंसी से निकल के आया है, तो यहाँ पे लगा हुआ था तो हम सोचे थोड़ा हम भी देख लेते हैं, छू लेते हैं थार को। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और इधर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक और ड्राइवर आ गया है, संभाल रहे हैं, बाहर से हैंडल इसका संभाल रही है, कोई पहला बार देख रहा है इसीलिए सब इसका यूज कर रहा है कि कैसे कैसे होता है। थार भूसा फैक्ट्री का है, इधर भूसा फैक्ट्री है, उसी का भूसा थार के डाला में लदाता है, अभी नहीं लदाया हुआ है क्योंकि कल बारिश आया था इसीलिए। और थार का कुछ पार्ट पुर्जा झड़ गया है, इसके अंदर का रुईया निकाल के और तख्ता अंदर घुसाया हुआ है, इन लोग को आंसी लग रहा है पता नहीं का है। इधर गाड़ी से मिल लिया थार से, अभी जा रहे हैं घर क्योंकि ज़्यादा देखने से थार पुरान हो जाएगा। बहुत पसंद आया, इसको थार बहुत पसंद आया है, तो ये बोला और बैठेंगे। हम अभी नहा लिए हैं और अभी हो रहा है शाम, सो के भी उठ गया है, अभी जा रहे हैं खेत में पानी पटाने, वहाँ आम वाला खेत में कोहरा रोपे थे उसमें पानी पटाएंगे, 4-5 दिन बीच करके रोज पानी पटा देते हैं ताकि वो लग जाए, इलाके हमको नहीं लगता है वो लगेगा, सूख जाता है फिर पानी देते हैं फिर हरियर हो जाता है। रात में भी बारिश आया था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आया था, तो जाके देख लेते हैं कि पानी पटाने लायक है कि ना है। से इधर ही मछली मार रहा है, इतनी ये वो खड्डा में से इतना मछली, इतना बड़का मछली निकाल ली है। कौन मछली है? बड़का बुआरी है, पूरा गोद में माटी लगा लिया है, अब पूरा पैर के दाग हो रहा है, बोले गिरी प्रवेश हो रहा है, अब गया है पैर धोने। इसको बहुत हंसी लग रहा है, कादर लगल है गोर में, अब हाथ में माटी जे लगल है, माटी बहुत पड़ा है जिया से ऊपर माटी रखा गया है। लड्डू का पैर धो लिया, अभी जा रहा है खेत में, हम अभी खेत में पहुंच चुके हैं, इधर ही पानी चला रही है कोहरा में पानी देने के लिए, और इधर दो गो पेड़ में पानी दे दिया, फिर से गई है वहाँ पर पानी लाने। यहाँ से पाइप आया हुआ है नल जल से, वहीं से पानी भर रही है, दूसरा के खेत में पानी पड़ रहा है उसी में से पानी ले रही है, उतना दूर कल पर जाती इससे अच्छा इधर ही पानी ले ली है, जिस पर मैं पानी पटाना भूल गई थी वहीं में पटा ली है, अभी जा रहे हैं घर। अब आम में कलसी आना स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे देगा, अब मोजर देगा, इसीलिए हम बोले हैं इसको कि भुला गया था आम कि हमको मोजर भी देना है, अब कलसी दे रहा है। तो घर आने के बाद शाम हो गया है और शाम में हुआ है पूजा, और यहाँ पूजा हो गया है, लड्डू और लड्डू के भाई प्रणाम करने आया है। प्रणाम कर लिया है, लड्डू देख रहा है, लड्डू खा भी रहा है, हो गए चल आ जा और कल। हाँ जी, लड्डू प्रसादी खा रहा है, चूड़ा मिठा का प्रसादी हो गया है खत्म, लड्डू इतना हाँ। और इतवार शनिचर पूजा की आज खरना हो गया शनिचर को, और कल होगा इतवार को पूजा, मतलब आज ही पूजा हुआ कल भी होगा, तो आज मीठा चूड़ा का प्रसादी मिलता है और कल खीर बनता है और केला चढ़ता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पेंट करते हैं, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब के लिए बाय बाय।